दोस्तों, स्वागत करते हूँ आपको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे। चलिए हम देखते हैं वीडियो को। प्रभावित हो रहा है और लगातार आंदोलन चल रहे हैं और इस सरकार ने जन घोषणा पत्र को एडॉप्ट किया है इस विधानसभा में कि सरकार एडॉप्ट कर रही है, क्योंकि सरकार की बाध्यता नहीं है कि अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन्होंने उसको सम्मिलित किया है, तो ये गंभीर मामला है कि सरकार पूरे कर्मचारियों के साथ में वादा खिलाफी कर रही है। इस वादा खिलाफी के अगेंस्ट में क्या सजा माननी, आप जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहे हैं, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, आप भी तय करके बताएं। सरकार को क्या सजा मिलनी, आप भी गंभीर प्रश्न ही कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न चलिए उत्तर आ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निसंदेह ये संवेदनशील मामला है जी, इसमें कोई दो बात नहीं है। काले सफेद में जन घोषणा पत्र में अंकित है, शासन ने भी जन घोषणा पत्र को क्रियान्वित करने का निर्णय लेकर, मंशा बनाकर एक एक करके उनको पूरा कर रहे हैं। और जहां तक हिसाब किताब और दंड इत्यादि का सवाल है, ये 5 साल पूरा होने के पास हम नागरिकों के पास मत मांगने जाएंगे, वो अपना मत सुना देंगे। ठीक, हम काम कर लिए होंगे तो डम स्वीकार है, काम नहीं कर पाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। हो गया, एक ही प्रश्न हुआ है आपका, गंभीर प्रश्न रहता है, हो गया ना। 17,611 कर्मचारी कार्यरत है, अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। आपकी सरकार ने 5 नए जिले बनाए हैं, क्या वहां संविदा अनियमित कर्मचारी नहीं है क्या, ये जानकारी दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है, लगभग 17,211 कर्मचारी अनियमित नियमित संविदा में काम कर रहे हैं। एक तो सारे कर्मचारियों की संख्या संयुक्त तो बता दी गई, मैंने पूछा था अलग अलग, चलिए इतना भी ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपने प्रश्न, क्या जन घोषणा पत्र में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को नियमित करने की घोषणा थी, आपने कहा है जी हां, और मैंने पूछा कितने नियमित किए गए, तो आपने लिखा है निरंक। अब सरकार का 4 साल का पीरियड बीत गया, कुल मिला के काम करने के लिए आपके पास 7-8 महीने का समय है, आप ये बता दीजिए। प्रश्न पूछिए ना उसमें महाराज, आप ये बता दीजिए इन कर्मचारियों को कब तक नियमित कर देंगे या नहीं करेंगे, ये चलिए महाराज जी। बस माननीय मंत्री जी, जी हां और निरंक के बारे में जवाब दे दीजिए। माननीय प्रदेश में संशोधित प्रपत्र में जो जानकारी दी गई है वो 17,629 कर्मचारियों की जी, जो दैनिक वेतन भोगी हैं, अनियमित हैं, कलेक्टर दर पर हैं, संविदा पर हैं और अलग अलग जेडीएस, डीएमएफ, एनएचएम, सीजीएमएससी, सीजी, एसएसीएस, एसएनएसीएफडी, दो कॉलम छूट गए थे, उनको जोड़ के संशोधित जानकारी दी गई है। नए जिलों की जो जानकारी है वो पुराने जिलों में समाहित है, माननीय सदस्य उस जानकारी को चाह रहे हैं, मैं उसको निकाल के उनको उपलब्ध करा करके दे दीजिएगा, उनको अंदर ही है। जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, इसमें ये प्रावधान हमने रखा था और विभाग की तरफ से भी आप लोग सबके भी जानकारी में होगा कि अनेकों सभी विभागों से ये जानकारी शासन स्तर पर मंगाई जा रही है कि कितने कर्मचारी किस श्रेणी के किन विभागों में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि विभाग की तरफ से भी जो मांग गई है कि इनको हम नियमित करना चाहते हैं, तो वित्तीय प्रावधान और वित्तीय प्रबंधन होने के बाद में शासन इस पर विचार कर रही है, उस पर निर्णय होगा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। हो तो गया क्या, नहीं माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं जानकारी मंगाई जा रही है, अब ये जानकारी तो आपने मुझे उपलब्ध करा दी है कि इतने अनियमित नियमित संविदा हैं 17,600 कुछ आपने बताया। आप बोल रहे हैं वित्तीय संसाधन, आखिरी बजट आपकी सरकार पेश करने वाली है, आप कोई समय सीमा बताएंगे क्या, क्योंकि पहले बोलते थे तो आपको उत्तर रहता था 5 वर्ष में हमको पूरा करना है, चलिए ना अब समय सीमा, तो 5 वर्ष पूरा हो गया, समय सीमा बता दीजिए, हम इतने दिन के अंदर इनको नियमित कर देंगे, आप समय सीमा बता दीजिए। यथाशीघ्र समय सीमा अध्यक्ष महोदय, आने वाला बजट और उसके बाद उसमें नहीं समाहित होता है तो प्रयास जारी रहेगा, अनुपूरक बजट, समय सीमा वही है। माननीय अध्यक्ष जी, समय है, पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी पिछले 4 सालों से सड़कों पर है,
सड़कों पर है, छत्तीसगढ़ सरकार का काम प्रभावित हो रहा है और लगातार आंदोलन चल रहे हैं। और इस सरकार ने जन घोषणा पत्र को एडॉप्ट किया है इस विधानसभा में कि सरकार एडॉप्ट कर रही है, क्योंकि सरकार की बाध्यता नहीं है कि इन अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन्होंने उसको सम्मिलित किया है। तो यह गंभीर मामला है कि सरकार पूरे कर्मचारियों के साथ में वादा खिलाफी कर रही है। इस वादा खिलाफी के अगेंस्ट में क्या सजा माननी, आप जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहे हैं, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, आप भी तय करके बताएं। आप भी सरकार को क्या सजा मिलनी, आप भी गंभीर प्रश्न ही कर रहे हैं अध्यक्ष। मेरा प्रश्न चलिए उत्तर आ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निसंदेह ये संवेदनशील मामला है जी, इसमें कोई दो बात नहीं है, काले सफेद में जन घोषणा पत्र में अंकित है। शासन ने भी जन घोषणा पत्र को क्रियान्वित करने का निर्णय लेकर, मंशा बनाकर एक एक करके उनको पूरा कर रहे हैं। और जहां तक हिसाब किताब और दंड इत्यादि का सवाल है, ये 5 साल पूरा होने के पास हम नागरिकों के पास मत मांगने जाएंगे, वो अपना मत सुना देंगे। ठीक, हम काम कर लिए होंगे तो दंड स्वीकार है, काम नहीं कर पाएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। हो गया, एक ही प्रश्न हुआ है आपका, गंभीर प्रश्न रहता है, हो गया ना। 17,611 कर्मचारी कार्यरत है, अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। ठीक है, ये जन घोषणा पत्र में है और क्योंकि जन घोषणा पत्र 2019 के राज्यपाल शर्मा जी अपना झूठ चुका है, शर्मा जी अपना जन घोषणा पत्र भी तो पढ़ के देखिए, भाजपा की जन घोषणा पत्र भी पढ़ देखिए, कितने दैनिक आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, जन घोषणा पत्र तीन ही लोगों का चल रहा है, तीन लोगों का ही चल रहा है। चलिए बैठिए आप लोग, आप हमने कह दिया ना, इस बोल ने गोवाल जी ने कह दिया, चलिए आप बैठिए, आप बैठिए, प्रेस के काल में नहीं चलेगा, आप लोग बैठे प्लीज प्लीज प्लीज, बृहस्पति जी प्लीज बृहस्पति, आपने गंभीरता को बता दिया, गंभीर बता दिया, वही गंभीर बता रहे, वही गंभीर आप बता रहे, मैं दूसरा पूछूंगा। नहीं नहीं, पर अध्यक्ष महोदय आवश्यक रोकते हैं और जो सामान्य सदस्य लगा उसको बाधित करके रोकते हैं। 17,000 चाहिए जो बाकी लोग वर्ष लगा, प्लीज प्लीज, आप खड़े में किस से तो पूछ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, ये भाषा देखे अपनी घोषणा पत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न विधानसभा में नहीं पूछा गया था, इस कार्रवाई में नहीं पूछा गया था, मैं जानकारी पूरी दे दूंगा। मेरी जहां तक जानकारी है कि कई लोग जो अनियमित रूप से या संविदा में काम कर रहे थे, जब पद आए तो कई लोगों की नियमितीकरण भी, नियमितीकरण क्या, वो रेगुलर भर्ती हो चुके हैं। तो मैं कितने लोग वैसे हैं जो पहले काम कर रहे थे इस कैटेगरी में, जवाब सुन लीजिए, और कितने लोग रेगुलर हो गए हैं, रेगुलर भर्ती में ही आ चुके हैं, मैं उनकी भी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। शेष कितनों को निकाला गया है ये भी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। मेरी जानकारी काम करने की कमी के अतिरिक्त कोई गंभीर बात आई हो, काम कमी में, काम करने में, अभी माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था कोंडागांव जिले के संबंध में, हम लोगों ने, मैंने घोषणा की कि जो काम कर रहे थे वो भी तो संविदा ही है, कि अगर गलती पाया जाएगा तो उनको सेवा से निकाला जाएगा। तो ऐसे प्रकरण जिनको किसी कारण से निकाला गया, मैं वो भी जानकारी उपलब्ध, आपको पूरी गंभीरता से जवाब दे, चलिए चलिए बताइए माननीय अध्यक्ष जी, महाराज आप तो मान। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप संध्या ह्यूमनिस्ट चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।